गुड मॉर्निंग एवरीवन. कंटिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट लेक्चर, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो अप टू 1 अप्रैल 2016 ICAI ने इशू किए हैं. उनमें से कुछ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको पढ़ रहे हैं यहाँ पर. जैसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, वो जिस टॉपिक से रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें पॉलिसीज देता है, दैट इज़ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो रिलेटेड है टू द प्रेजेंटेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जब आप प्रिपेयर और प्रेजेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट करती हैं जब वो डिफरेंट पॉलिसीज जो अडॉप्ट कर रही हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो उन पॉलिसीज को जो वो अडॉप्ट कर रही हैं उसे डिपिक्ट उन्हें करना होता है कि अंडरस्टैंड करने के लिए कि सूटेबल मेथड क्या है. तो जो फॉलोइंग है वो एरियाज़ हैं जिसमें जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो डिफ़र करती हैं फ्रॉम एंटरप्राइज टू एंटरप्राइजेस. वो क्या है? मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड अकाउंटिंग ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. नेक्स्ट जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दैट इज़ रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो इन्वेंट्री है वो वैल्यूड होती है एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस्ट. कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? कॉस्ट ऑफ परचेजेस, जिसमें कॉस्ट ऑफ परचेजेस, ड्यूटीज, टैक्सेस और फ्राइट इनवर्ड्स इंक्लूड होते हैं. देन कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, मतलब उन एक्सपेंसेस का टोटल जो इंकर आप कर रहे हो फॉर द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, जैसे कि डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. देन अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट में ओनली दैट पार्ट इज इंक्लूडेड इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो आपने इंकर किया है इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमें बताता है रिगार्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंडर हम 3 डिफरेंट हेड्स में उन्हें डिवाइड करते हैं. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. देन हमारा नेक्स्ट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है रिगार्डिंग कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. कंटीजेंसीज जो हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो डिफाइन करता है कंटीजेंसीज को कि वो कंडीशन या वो सिचुएशन जहाँ पे जो अल्टीमेट आउटकम है गेन और लॉस का वो अभी हमें पता नहीं है. वो जब वो इवेंट होगा या नहीं होगा फ्यूचर में जो अनसर्टेन है तब हमें पता चलेगा. देन इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, वो इवेंट्स जो अकर हो रहे हैं आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो उन इवेंट्स को हम कब कहेंगे कि आफ्टर बैलेंस शीट डेट वो अकर हुए? जब वो अकर हो रहे हैं बिटवीन बैलेंस शीट डेट और डेट जब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्हें अप्रूव किया गया है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उन दोनों के बीच में अगर वो अकर हो रहे हैं तो उन्हें हम कहेंगे कि वो इवेंट अकर हुए हैं आफ्टर बैलेंस शीट डेट. तो ये नेसेसरी है कि एडजस्टमेंट उन इवेंट्स की जाए जो अकर हो रहे हैं बैलेंस शीट डेट के बाद. और क्योंकि अगर ये इवेंट्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फ्यूचर में इफ़ेक्ट करेंगे तो इन इवेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. लेकिन जो नेचर है इन इवेंट्स का उसे मेंशन किया जाएगा एट द टाइम ऑफ इफेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्योंकि पॉसिबिलिटी है, अगर पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट की फ्यूचर में ड्यू टू कंटीजेंसी इवेंट, तो उस प्रोबेबल प्रॉफिट को तब इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने करना है जब उसकी रिसिप्ट सर्टन हो कि हाँ पक्का आपको रिसीव वो होगा ही होगा जो भी प्रॉफिट है. अगर पॉसिबिलिटी है लॉस की फ्यूचर में तो वो जो लॉस है उसे एस्टिमेट किया जाएगा और उस लॉस को आपको डेबिट करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अगर डिफ़िकल्ट है एस्टिमेट करने के लिए तो उसे आपको मेंशन करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 हमें बताता है रिगार्डिंग नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्योरियर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में. इसमें हम
आइटम्स को डिवाइड कर देते हैं तीन पार्ट्स में, जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को, प्रियोरियर पीरियड आइटम्स को और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज में। जैसे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब है वो आइटम्स जो नॉर्मल नेचर की नहीं है, जैसे आपकी फायर एंड फ्लड हो गया, अगर आपको कोई आइटम्स में लॉस या गेन हो रहा है ड्यू टू फायर एंड फ्लड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, जो नेचर, उसमें जो नेचर है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का, उसे सेपरेटली आपको शो करना पड़ता है। उससे जो भी करंट प्रॉफिट और लॉस आपको रियलाइज होगा वो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। देन है प्रियोरियर पीरियड आइटम्स। प्रियोरियर पीरियड आइटम्स का मतलब है वो आइटम्स जो अराइज हुई हैं करंट पीरियड में एज अ रिजल्ट ऑफ एरर्स और ओमिशंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रियोरियर पीरियड्स। जो नेचर और अमाउंट है प्रियोरियर आइटम्स का, उसे सेपरेटली आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इस मैनर में कि उनका जो इम्पैक्ट है करंट प्रॉफिट के ऊपर वो नज़र आ सके। देन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जो अकाउंटिंग पॉलिसी है उसे आप चेंज कर सकते हैं जब भी आपको नेसेसरी लगे। जो चेंज होगा अकाउंटिंग पॉलिसीज में, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की वजह से इफ़ेक्ट आएगा इम्प्लीमेंट करने में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेटर प्रेजेंट करने में, उसे भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। कोई चेंज जो इफ़ेक्ट देता है वो सिग्निफिकेंटली देता है तो क्लियर होना चाहिए अगर वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। देन सिमिलरली जो भी एडजस्टमेंट है, इफ़ेक्ट है, कॉसेस है चेंजेस के, उसे भी आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस पीरियड की। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हमें बताता है रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं डिफरेंट अकाउंटेंट्स फॉर डेप्रिशिएटिंग द एसेट, जैसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मैथड हो गया, डेमनिशिंग बैलेंस मैथड हो गया, डेप्रिशिएशन फंड मैथड, एनुअल एनुइटी मैथड, एक्सेट्रा, बहुत सारे मैथड हैं। इन स्टैंडर्ड को जब आप यूज़ कर रहे हो तो इसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए इन डिफरेंट मैथड्स के यूज़ में। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड आपने प्रोविजन बनाना है फॉर डेप्रिशिएशन ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट, एक्सपेक्टेड लाइफ एसेट की, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, लीगल रिस्ट्रिक्शन फॉर यूज़ ऑफ दैट एसेट एक्सेट्रा को कंसिडर करके। तो जो अकाउंटिंग मैथड्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग, वो स्टेबल हो। तो जो डेप्रिशिएशन मैथड है वो आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एक डिसाइड कर लिया आप उसी को फॉलो करेंगे, आप उसे चेंज कर सकते हैं। कब चेंज कर सकते हैं? जब नेसेसरी है कि न्यू मैथड को अडॉप्ट आपको करना ही पड़ेगा ताकि जो भी लीगल लॉस है उसे अडॉप्ट किया जा सके। देन नेसेसरी है अडॉप्ट करना न्यू मैथड फॉर द कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या ये आपको लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंटरप्राइजेस की, उसे ज़्यादा इफेक्टिवली प्रिपेयर किया जा सकता है बाय चेंज इन मेथड। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है रिगार्डिंग रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। जर्नली जो रेवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज होता है एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, बट डिफरेंट ग्राउंड्स हैं जो अडॉप्ट कर सकते हैं डिफरेंट अकाउंटेंट्स फॉर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। कोई भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन जो रेवेन्यू है वो तब रिकॉग्नाइज होगा अगर वो कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल करता है। वो क्या कि जो अमाउंट या इनकम है वो आप करेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं उस रेवेन्यू से रिलेटेड, या जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपने कैलकुलेट किए हैं जो रिलेटेड टू दैट रेवेन्यू, और जो इनकम है वो रिसीव हो गई है इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनी अदर एसेट। जर्नली रेवेन्यू और इनकम को एक ही माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, डिफरेंस है बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम। रेवेन्यू का मतलब है, रेवेन्यू जो है वो ग्रॉस कंसेप्ट है, और जबकि इनकम जो है वो नेट कंसेप्ट है। अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं या लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, तो उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। जो आपका सरप्लस है रेवेन्यू का स्पेसिफिक पीरियड का, उसके एक्सपेंस से जब आप उसे कंपेयर कर रहे हो तो उसे इनकम कहा जाता है। देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ये रिलेट करता है रिगार्डिंग अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स आप करते हो डिफरेंट ग्रुप्स में। ये जो स्टैंडर्ड है वो डिटरमाइन करता है कि क्लेरिफाई करता है आपको कि जो एक्सपेंडिचर है उसे एज अ एन एसेट आपने ट्रीट करना है या एज अ एक्सपेंस आपने उस एक्सपेंडिचर को ट्रीट करना है। तो जो डिसीजन है सिग्निफिकेंटली
जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर इफेक्ट होता है। जैसे अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड जो एसेट है आपने अकाउंट करना है उसे अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो जो एसेट है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा कॉस्ट प्राइस पर, और जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हो, एक्सपेंसेस में इंक्लूड है कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो आपने इनकर की है एसेट को उसके इंटेंडेड यूज़ तक लाने के लिए, जैसे एक्चुअल कॉस्ट हो गई एसेट की, जो एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं उसकी एसेट के एस्टेब्लिशमेंट में एक्सपेंसेस इनकर आपने किए हैं, एसेट को फैक्ट्री तक लाने में उसको एक्चुअली यूज़ करने के लिए जो भी आपने एक्सपेंसेस यूज़ किए हैं उन सबको हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो ये था हमारा अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। इसके साथ ये जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, चैप्टर नंबर 3, वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मेंट बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गिव द प्रोसीजर फॉर इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का। अब हम चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। चैप्टर 2 का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। ये आपसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई भी एक जो प्रिंसिपल है वो पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट इज मेंट बाय अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इसी तरीके से जो आपके प्रिंसिपल्स आपने किए हैं उसमें से कोई एक प्रिंसिपल्स आपसे पूछा जा सकता है। देन चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। चैप्टर नंबर 1 से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन अकाउंटिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बुक कीपिंग, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। या जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स आते हैं आपके, वहाँ से आपको इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इसके साथ जो हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है अकाउंटिंग इक्वेशंस, हमारा चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।